तो आज की गाड़ी रहने वाली है हमारी ब्रेजा का एलेक्साई मॉडल, और एलेक्साई जो गाड़ी आज अंदर खड़ी हुई है, और एक छोटा सा आज हमने ये दिवाली सेलिब्रेशन के लिए देखियो क्या कर रखा हमने, ये भाई आज हमने कर दिया पूरा डेकोरेशन एकदम बस मस्त वाला, पूरा टेंट शेंट लगा के सारी एकदम सेलिब्रेशन कर दी बढ़िया वाली। वहां से लेकर यहाँ तक अपने जो कस्टमर आएंगे उनके लिए बेस्ट होना चाहिए कि हाँ मैं जा रहा हूँ एक अच्छी जगह में जा रहा हूँ। सो वहां से लेकर यहाँ तक हमने प्रॉपर एक शेड लगा दिया जैसे मेरे अंदर शेड लगा होता है, और काम हो रहा है एकदम बेस्ट। हाँ दिवाली की सेलिब्रेशन है यार, दिवाली के लिए थोड़ा अच्छा लगना चाहिए जो कस्टमर हमारे आ रहे हैं इतनी दूर दूर से। अब जो ये वाली मेरे पास गाड़ी आई है ये गाजियाबाद से भी कहीं कस्टमर आगे रहते हैं वो आए हैं, एक अंदर गाड़ी खड़ी है वो पंजाब से आई हुई है। सो ऐसा काम होना चाहिए ना बेस्ट वाला। सो आज चलें एक बार अंदर गाड़ी में, एक बार बनाएं वीडियो अंदर की। तो आओ चलते हैं अंदर। गाड़ी भी जो आज हमारे पास है ये ब्रेजा का एलेक्साई मॉडल एस लाइन एडिशन, एस लाइन दूर से दिख गया ना ये खड़ा हुआ है एस लाइन। सो एस लाइन की एक बैजिंग इसके ऊपर रहती है हमारी, जो ये फ्रंट की जो पहचान है इसकी एस लाइन गार्ड्स वो इसके ऊपर हमने लगाया फ्रंट, और ये दोनों तरफ लगते हैं ये। और लुक्स कैसी आ रही है, मस्त आ रही है एकदम बोल्ड हो गई ना, बोल्ड लुक एकदम सेम ऐसी हो गई। सो फ्रंट के अंदर आज हमने एस लाइन बम्पर गार्ड्स लगाए, नीचे फॉग लाइट लगाई, फॉग लाइट के ऊपर एक क्रोम गार्निश लगाई, और ये फ्रंट की जो ग्रिल है गार्निश इसको भी हमने लगाया। ये जो पार्ट आता है इसको हमने आज ग्लॉस ब्लैक में किया है पियानो फिनिश में। सो ये भी अपने आप में मस्त है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और कार लिबाज और अपने चैनल के ऊपर एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये। इवन फर्स्ट इन इंडिया वाला प्रोसेस है, मैंने नहीं देखा, हमने जितनी भी लगाई है मैंने व्हाइट देखी है, आज तक मैंने किसी और को देखा नहीं कि ऐसा कुछ किया हो। सो एस लाइन के अंदर आज हमने इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, फर्स्ट इन कार लिबास और फर्स्ट इन चैनल, व्हाइट के साथ व्हाइट की लुक, नीचे का ये वाला पैटर्न क्रोम में, इसकी जो सिमेट्री इसके साथ प्रॉपर पूरी लुक्स अच्छी लगती है। फॉगलेट आज हमने इसके ऊपर लगाई है, फॉगलेट जो हमने लगाई है वो व्हाइट कलर के अंदर, ब्लू येलो के अंदर, और ब्लैक नहीं, अभी दिखाऊंगा कलर क्या क्या इसमें हमने किया आज। फ्रंट के आज अंदर हमने लगाई है इसकी लाइट्स जो कि आप देख सकते हैं येलो, देन व्हाइट, देन वॉर्म व्हाइट। वॉर्म व्हाइट के अंदर भी आप इसमें देखो, इसमें हल्का सा येलो का फील है इस वॉल पे, देखो यहां से वैसे दिख रहा होगा हल्का सा येलो फील। सो इसके अंदर ट्राई कलर की एलईडी हमने यूज करी है आज, पूरी येलो हो गई पूरी व्हाइट हो गई। सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों के अंदर किसी को गाड़ी लेके जानी है अपनी, इस गाड़ी को अगर कोई सर्दी में लेके जाएगा तो एकदम सुपर क्लास रोशनी उसकी आने वाली है, क्योंकि लाइट सिस्टम हमने करी ऊपर येलो नीचे भी येलो, एक ही लाइट के अंदर ट्राई कलर, ऊपर भी व्हाइट नीचे भी व्हाइट। और ये इसकी जो वोल्टेज है वो सिर्फ 120 वॉट के अंदर लेजर बूस्टर वाला काम कर रही है, आगे की रोशनी बिल्कुल आप सामने से देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको हटना पड़ेगा आगे से। बहुत ही नजर आ रहे हैं सामने से पूरे। सो एकदम बेस्ट इन क्लास इसके ऊपर काम किया हुआ है। सो फ्रंट की ग्रिल हो गई क्रोम, फॉग लाइट का क्रोम हो गया, एस लाइन बम्पर गार्ड्स हो गए, और लाइट्स हो गई फ्रंट में, आज इतना ही हमने काम किया है। और बात करेंगे साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल के अंदर हमने कोई आज काम नहीं किया इस पार्ट के ऊपर, और आज जो हमने काम किया है वो ये पिलर ब्लैक किए हैं इसके, जैसे हर गाड़ी में एलेक्साई में नहीं करते थे, आज इसको भी हमने पियानो ब्लैक के अंदर फिनिश में इसको रैप किया हुआ है, जिसके अंदर आइवरी डेंसन की इसकी हमने टेप लगाई हुई है, जिसकी फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास, जैसी ओरिजिनल आती है ट्रू कॉपी उसी के जैसे है, कहीं से भी आपको लेफ्ट राइट वाला कोई पार्ट नहीं दिखेगा इसके अंदर। सेकेंड इसके ऊपर आज हमने ये क्रोम लाइन डोर वाइजर इंस्टॉल करे, नीचे थोड़ा सा नीचे रखोगे क्योंकि इंटीरियर दिखाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, विंडो फ्रेम क्रोम में इस पर इंस्टॉल किया, ये पूरा जिसका 6 पीस का सेट आता है और प्रोफेशनल प्राइमर से प्रॉपर लगाया जाता है। नीचे का जो ये पार्ट है ये फर्स्ट इन कार लिबास फर्स्ट इन इंडिया बॉडी कलर्ड व्हाइट, जैसे गाड़ी का कलर है सेम स्पोर्ट्स लुक के लिए और एक बोल्ड लुक देने के लिए इसको हमने व्हाइट में कन्वर्ट किया हुआ है। सो नीचे का पार्ट ये वाले साइड के पूरी और पीछे तक सारी ये प्रॉपर व्हाइट की हुई है, नीचे यहाँ पर मड फ्लैप लगाए, ये भी एक इसका जेन्युइन पार्ट है और इसकी प्लग एंड प्ले प्रॉपर से फिटिंग आ जाती है। साइड प्रोफाइल में इतना ही काम किया है, डोर गार्ड लगाए साथ में, और चलता हूँ मैं बैक की तरफ, बैक साइड की भी सेम लुक्स आप इसे देख सकते हैं, स्पोर्ट्स लुक के लिए स्पोर्ट्स गार्ड, नीचे जो इसके ऊपर लाइट लगाई है रिफ्लेक्टर वो भी स्कैनिंग वाली है,
जैसे इसके पार्किंग ऑन करेंगे ये वन बाय वन करके प्रॉपर चलती है। सो एकदम बेस्ट इन क्लास, ऊपर का लुक्स व्हाइट, बीच में सेंटर लुक्स व्हाइट, नीचे का जो बम्पर गार्ड है वो भी प्रॉपर व्हाइट, और जो इसका फिनिश है ये फोर एग्जॉस्ट का डिजाइन आता है जो जो बैक लुक को इसको बिल्कुल ब्रॉड कर देता है। लुक्स आपके सामने है, गाड़ी सेम ब्रेजर LXi और एकदम बेस्ट इन क्लास। पीछे रिवर्स में कैमरा लगाया है इसके अंदर, ये भी प्रॉपर बिल्कुल 00 फिटिंग। यहाँ पर अगर मैं कैमरा लगाऊंगा तो यहाँ पर अगर होल्ड करूंगा तो ये बिल्कुल अंदर चला जाता है और उसके जो शेडो है यहाँ से प्रॉपर पूरा ये इसमें कैमरे में आता नहीं है। सो 30% इसकी इमेज रिड्यूस हो जाती है। अगर यहाँ लगेगा तो पूरा वाइट एंगलर है और जितनी बैक का जो पोर्शन है वो प्रॉपर पूरा नजर आता है। फ्रंट प्रोफाइल खत्म, साइड प्रोफाइल खत्म, बैक प्रोफाइल खत्म। सो बात करेंगे इसके बाद अंदर की। सो अंदर भी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमने इसके ऊपर काम किया और क्या क्या इसके ऊपर हमने अभी किया है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। सो फ्रंट प्रोफाइल खत्म, साइड प्रोफाइल खत्म, बैक प्रोफाइल खत्म, और इसके अंदर एक चीज हमारी तरफ से पेंडिंग है, इसकी रूफ रेल जो कि मेरे पास स्टॉक में नहीं थी तो इसलिए हमने नहीं लगाई इसके ऊपर। बात करता हूँ इसके इंटीरियर्स की, जो कि बिल्कुल लग्जरी है और बिल्कुल बेसिक के अंदर सुपर क्लास डिजाइन है, क्योंकि हमेशा मेरी एक चीज मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, दरवाजा खोलने के बाद एक वाव फैक्टर आना चाहिए। सो इस गाड़ी में भी प्रॉपर आपको वाव फैक्टर एक मिलेगा। जो डोर के अंदर इसके पैनल हमने रेडी करे हैं और जो डैशबोर्ड का काम किया है, जो इंटीरियर इसका किया है, बिल्कुल लग्जरी और मतलब बहुत ज्यादा उसमें कोई गॉसिप भी डिजाइन नहीं है। टू टोन इंटीरियर के अंदर बिल्कुल बेसिक और बहुत रफ डिजाइन पे हमने इसको बिल्कुल लग्जरी इंटीरियर में रेडी किया है। सो स्टार्ट करूंगा मैं डोर पैनल से इसके। डोर्स में इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पियानो ब्लैक का फिनिश दिया हुआ है, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में यहाँ पर जो डोर की ये प्लेट्स हैं इसको हमने पियानो ब्लैक में फिनिश को रेडी कर दिया। पियानो ब्लैक के साथ ये डोर है, ये भी आपको आप मैट फिनिश में देख सकते हैं, ये भी हमने जो है लेदर ऐप में कन्वर्ट किया हुआ इसको भी, क्योंकि ये स्टिचिंग आप देखो यहाँ से स्टिचिंग इसकी प्रॉपर है और इसी के साथ मर्ज हो रही है। ये इनर हैंडल क्रोम और अंदर की जो सैश है उसको भी हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। सो डोर प्रोफाइल में क्रोम ये वाला पार्ट किया और पियानो ब्लैक को हमने ट्यूटर की सैश कर दी। सो एकदम इसको भी एक बेटर लुक देने के लिए हमने ये प्रॉपर इसको डोर्स को रेडी कर दिया है। स्पीकर्स और डैम्पिंग हमने इसके अंदर यूज करी है, वो भी मैंने आपको दिखाया कि हमने कोएक्सियल इसमें यूज करे थे पीछे सोनी ES सीरीज के, और जो कंपोनेंट यूज करे वो भी हमने आगे सोनी ES सीरीज के यूज करे, जिसकी कॉस्ट आगे की रहती है 25,990, और जो पीछे के कोएक्सियल रहते हैं वो 20,000 रुपए के आसपास रहते हैं। स्पीकर के स्पेशल किट लगती है 780 रुपए के आसपास। डोर में डैम्पिंग हमने यूज करी है, वो भी एकदम लग्जरी तरीके से प्रॉपर ऑरा ब्रांड की हमने यूज करी है। तीन प्रोडक्ट में यूज करता हूँ यहाँ पर, ऑरा मोरेल और एक ऑडिप्लेक्स, जो कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं और अपने आप में बेस्ट इन क्लास है। आफ्टर सेल सर्विस के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो भी सारे ब्रांडेड और अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसमें गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी है वो भी बनी रहे और प्रॉपर जो लोकेशन उसकी बनी है प्रॉपर उसी चीज के लिए वो प्रॉपर लगती है। सो इस गाड़ी के अंदर हमने ऑरा की डंपिंग यूज करी थी, 180 डिग्री सेल्सियस के अंदर वो मेल्ट नहीं होती और बेस्ट रहती है। सो प्रॉपर डोर का काम हो गया, अंदर डैम्पिंग हो गई, कोएक्सियल और कंपोनेंट्स प्रॉपर इसके आगे पीछे लग गए। नीचे हमने ये जो फुट स्टेप लगाई है ये आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट है, सिर्फ 750 रुपये इसकी कॉस्ट होती है, 750 रुपये के हिसाब से ये चार पीस का सेट आता है। सो दो फ्रंट डोर में लगते हैं ये और दो बैक डोर में लगते हैं। ब्रेजर की बैजिंग जब आप पैर रखते हैं तो इस पार्ट को तो आप साफ कर सकते हो, बड़े इस पार्ट को साफ नहीं कर सकते। सो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये ब्रेजर बैजिंग वाला एक पार्ट लग जाता है। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर जो डैशबोर्ड पे आज हमने काम किया है वो भी पियानो ब्लैक और व्हाइट का कन्वर्ट हमने किया हुआ है इसके ऊपर। सो एक बार ये भी आप दिखाओ, ऊपर की जो ट्यूटर सैश, ऊपर का जो वेंट है ये वाला पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। नीचे की जो ये एक रिंग है ये भी हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दी। मीटर पैनल इसको भी आज हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। लुक्स एनहांस हो जाती है जैसे उसकी लाइट ऑन करो, तो ऑटोमेटिकली इसका रिफ्लेक्शन है जो प्रॉपर इसमें मीटर में ग्लॉस ब्लैक में दिखता है। सो इसकी एक प्रीमियम फील दिखती है और अपने आप में ये सुपर क्लास है और अच्छी भी चीज़ है ये, और जो पार्ट है वो तो खैर जेन्युइन इसका है ही है। जितने भी मेरे पियानो ब्लैक और ये जो ये वाले पैटर्न होते हैं ग्लास कोटेड होते हैं, हमारे यहाँ पर कोई ऐसा हल्का काम नहीं करता मैं इसके अंदर। जो इसके फिट फिनिश है वो भी बहुत बढ़िया रहती है और जो इसका ग्लास कोटेड है ऐसे ही है। नेल भी अगर हिट करोगे तो इसमें स्क्रैचेस हेयर लाइंस नहीं आती, इस पर भी अगर मैं नेल मारूंगा तो कोई स्क्रैचेस हेयर लाइंस नहीं आने वाली। सो वैसे तो खैर इसका डिजाइनिंग में ऐसे ही है, मार्बल फिनिश है, ब्लैक के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। स्विच इसके अंदर आज हमने लगाया ओरिजिनल, जो कि ये मारुति जेन्युइन फॉग लाइट
लगाई है मैंने, उसके साथ वायरिंग भी इसमें ओरिजिनल करी है। सो येलो कलर का इसमें हमने एलईडी डाला, और इसकी हेडलाइट में भी सेम मैंने आपको दिखाया ट्राई कलर की एलईडी यूज करी। मीटर का पैनल ब्लैक, ये वाला पैनल ब्लैक, सामने का ईयर रिंग ब्लैक, जो स्टीयरिंग का पैटर्न है इसको भी आज हमने पियानो ब्लैक के साथ किया है। पियानो ब्लैक की बैक और ये पियानो ब्लैक का फ्रंट लुक्स को एनहांस करता है। जो ओरिजिनल पार्ट आता है उसको ऐसा मैट फिनिश में आता है और इसको हमने ग्लॉस में कन्वर्ट कर दिया। आप एक बार उधर से आओ, मैं उधर से एक बार ही बताता हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें और आज हमने काम किया हुआ है। दरवाजा उधर का भी सेम है, इधर का भी सेम है, चारों दरवाजों पे सेम काम किया हुआ है। डैशबोर्ड का जो काम किया हुआ है उसके आप ऊपर आप देख सकते हैं, इसकी सिमेट्री मैंने यूज करी है। यहाँ से ब्लैक, मीटर पैनल ब्लैक, देन जो नीचे वाला पैटर्न है इसको हमने प्रॉपर पूरा ब्लैक किया नीचे तक, ये यहाँ तक पूरा इसको पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। वायरलेस ट्रे आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको भी आज हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया। नीचे का जो ये वाला पैटर्न है इसको भी आज हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया। नीचे की हैंड ब्रेक के जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी आज हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया है। सो नीचे का ट्रे प्रॉपर पूरा पियानो ब्लैक, मतलब पूरी गाड़ी जो है वो टू टोन में रेडी की गई है, जिसका फिट फिनिश आपके सामने है। और सीट कवर्स भी आपको मैं बहुत जल्दी इसके एक बार दिखाता हूँ कि किस तरीके से सीट कवर्स हैं। ये सिस्टम लगाया हमने सोनी का 8100, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। सोनी के अंदर ये थोड़ा सा बाहर होता है, बट इसकी फिट फिनिश तो ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। सो सोनी का हमने सिस्टम लगाया 8100 नंबर। आगे के डोर्स में हमने कॉम्पोनेंट्स यूज करे सोनी ई एस सीरीज, बैक में भी सेम सोनी ई एस सीरीज। स्टीयरिंग का प्रॉपर पूरा काम कर दिया टू टोन के अंदर, स्टीयरिंग के जो फिट फिनिश है वो भी एकदम सुपर डुपर है। सेम ऐसे स्टीयरिंग कवर आपको बहुत रेयर है जो इतनी फिनिश के अंदर आपको स्टीयरिंग कवर मिले, और टू टोन के अंदर प्रॉपर पूरा डिजाइन है इसका। थ्रेड वर्क आप इसका देख सकते हैं बिल्कुल जीरो जीरो है। थ्रेड वर्क की क्वालिटी, जो ब्लैक का फिनिश है, ब्लैक के साथ हमने आइस रे का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और एकदम इसको परफेक्ट तरीके से प्रॉपर इसको लगाया गया है। कहीं से भी आपको मेरे थ्रेड के अंदर लेफ्ट राइट वाला कोई पार्ट नहीं दिखेगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं करते, कुछ अगर कंप्लेंट आती है तो उसको हम बहुत जल्दी रेक्टिफाई पहले ही कर लेते हैं। सो स्टीयरिंग पे भी आज हमने सेम टू टोन के अंदर स्टीयरिंग रेडी किया, और थ्रेड वर्क है इसका आइस ग्रे। नीचे की सिमेट्री सेम है। सीट कवर्स आज हमने लगाए हैं इसके अंदर हाईटेक कंपनी के, और ये भी फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास। रिंकल फ्री सीट कवर्स हैं ये बकेट सीट कवर्स, बट हैं प्रॉपर पूरे रिंकल फ्री, कस्टमाइज के जैसे डिजाइन किए हुए हैं। फिट फिनिश एकदम बेस्ट, डिजाइनिंग एकदम बेस्ट। स्टैंडिंग क्विल्ट के साथ हमने स्टैंडिंग रूलिंग के साथ क्विल्ट का काम किया हुआ है। ये वाला पार्ट है बिल्कुल प्लेन ब्लैक में, ये जो पार्ट है भी पूरा ब्लैक, इसके साथ हमने किया आइस रे का कॉम्बिनेशन। आमरेस लगाया, आमरेस के बाद इसको हमने टू टोन के अंदर इसको भी कन्वर्ट कर दिया ब्लैक के साथ आइस रे का कॉम्बिनेशन, और वो भी अपना स्टिल बेस्ट। सारी चीजें इसमें बेस्ट इन क्लास की गई है। सिस्टम लगाया वो भी सुपर डुपर। नीचे वाला आरडी का गियर लॉक इसमें हमने लगाया सिक्योरिटी पर्पज के लिए, गाड़ी में भाई कोई एक्सेसरीज ऐसी नहीं है जो इसमें आए। सो रिवर्स गियर को लॉक करता है ये, और प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए रहता है। आपको एक ना एक चीज गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस या सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। सो गियर लॉक ही क्यों नहीं, गियर लॉक की जो कॉस्ट है सिर्फ 1500 रुपये, 1500 रुपये के अंदर आप ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी को सेफ कर सकते हैं, चोरी होने से बचा सकते हैं। क्योंकि जो आरडी का गियर लॉक है ये नीचे लोहे की प्लेट लगती है, नीचे से प्रॉपर उसके नट बोल्ट होते हैं जो कि कट जाते हैं, और अगर कोई नीचे से खोल के खोलना चाहे तो वो भी नहीं खोल सकता। बट आपको एक काम करना है, जब आप गाड़ी रात को निकलते हैं गाड़ी को रिवर्स गियर को लॉक करके जाएंगे, तो पूरी कोशिश रहती है कि जो चोरी करने वाला प्रोसेस है जिसका वो गियर लॉक लगा होता है उसको छोड़ जाता है, क्योंकि उसको खोलना बहुत मुश्किल काम होता है। सो बेसिक प्रोसेस है, आरडी का गियर लॉक है यू टाइप, इसमें लगता है, इसकी 1500 रुपये कॉस्ट है। 1500 में आप अपनी गाड़ी को थोड़े टाइम के लिए तो इवन बचा ही सकते हैं, जब तक ये शोर शराबा कुछ हो तब तक बंदा अपना गाड़ी में पहुंच जाता है। सो ये भी बेस्ट इन क्लास है। स्टीयरिंग में कंट्रोल्स प्रॉपर हमने लगा दिए, जो कि ओरिजिनल पार्ट है इसका, और इसका जो प्राइस है वो मैंने पहले भी बताया था इंक्रीज हो गया है। सो 5050 रुपये इसकी कॉस्ट है स्टीयरिंग की, और इसके नीचे जो हब लगता है वो 1100 रुपये का हब है। सो 6500 का प्रॉपर पूरा प्रोसेस होता है, 750 रुपये के इसके वायरिंग कनेक्टर भी होते हैं जो नीचे से वायर इसके सिस्टम में जाती है, वो भी कॉपर वायर हम यूज़ करते हैं। सो प्लग एंड प्ले तरीके से 6500 रुपये, 6000 रुपये इसकी कॉस्ट हम लेते हैं। सो इसका भी एक प्रोसेस है जेन्युइन, और प्लग एंड प्ले वायरिंग है, कोई मेरी गाड़ी में वायरिंग कटिंग नहीं होती है, वो 100% आपकी गाड़ी सेफ है, सिक्योर है, मेरी गाड़ी में कहीं कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं करते हम।
अगर कुछ वायरिंग भी होती है तो उसका एक प्रॉपर स्लीव होती है, हल्की सी प्रॉपर को स्लीव उतार के ऊपर रैप की जाती है, और फायर प्रूफ टेप हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो उसको वायरिंग कटिंग हम नहीं बोलते, क्योंकि अगर वायरिंग कटिंग होगी तो दो तारों को बीच में से काटेंगे तो उसको वायरिंग कटिंग बोलते हैं। मारुति भी अगर कुछ लगाएगी तो सेम लगाएगी। एक चीज हॉर्न भी आपको बताता हूँ, ब्लॉ पंखा हमने इसके ऊपर हॉर्न यूज किया है, जो क्रेटा स्टाइल में डबल टोन में रहता है। सो वो भी हमने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया, उसकी भी कॉस्ट सिर्फ 900 रुपये। सीट कवर की फिट फिनिश आपके बिल्कुल सामने है, रिंकल फ्री सीट कवर्स, एक भी कहीं आपको रिंकल मेरे सीट कवर्स में कहीं नजर नहीं आएगा। अल्ट्रा फॉर्म अल्ट्रा कुशन के सीट कवर्स हैं ये। फिट फिनिश इसकी बेस्ट रहती है। नीचे जो आज हमने इसके ऊपर फ्लोरिंग नहीं लगाई, फ्लोरिंग की जगह हमने 70 मैट यूज करे हैं, जिसमें हनीकॉम लगाया, हनीकॉम के साथ नीचे वेलक्रो लगाई हुई है। आपको सिर्फ इस मैट्स को निकालना है और अपनी गाड़ी में प्रॉपर इसको लगा देना है, निकाल के प्रॉपर झाड़ोगे। इसके अंदर जो है हनीकॉम लगाने से जो मिट्टी विट्टी है वो सारी नीचे जाती है, ऊपर नहीं आती। सो पूरी इसकी भी फिट फिनिश एकदम बेस्ट है, गाड़ी के हिसाब से प्रॉपर हमारे यहाँ बनते हैं ये। मैट्स इसके बिल्कुल सेम सिक्योर एकदम बेस्ट अपने तरीके से। इसमें जो इसकी वायरिंग भी यूज करी है, ये भी आपको मैंने दिखाना था, यूएसबी के सॉकेट। बहुत सारे आपने वीडियोस में भी देखे होंगे जो यूएसबी के सॉकेट आजकल आ नहीं रहे। सो इसकी प्लग एंड प्ले तरीके से हमने वायरिंग कर दी है। सो भाई मेरी गारंटी है, किसी की गाड़ी में अगर ये आपने देखा है कि कुछ मैंने यूएसबी का सॉकेट लगाया है, तो अगर ये सॉकेट उसमें लगा तब तो ओरिजिनल है, तब तो बहुत अच्छी जगह से काम हो गया, सुथरा हो गया। ये नहीं है तो फिर अपनी गाड़ी को चेक कराओ एक बारी, और क्योंकि शॉर्ट सर्किट जो होता है, जो पावर सप्लाई को मिलती है वो आगे से कहीं से बंदा लेता है, तो उसको अपनी गाड़ी में जरूर चेक कराना। अगर सॉकेट नहीं है तो उसको लगवाओ। और कार लिबास का मेरा नंबर आपको पता ही है, मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको नीचे मेरे नंबर दिख रहे हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9811632352, 9811632352 वाले पे आपको कॉल कर सकते हैं, 9990 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो उस पर भी आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको मैसेज के प्रॉपर पूरे रिप्लाई मिलेंगे। कुछ कस्टमर्स के हम नहीं रिप्लाई दे पाते कई बारी, क्योंकि कस्टमर अंदर होता है तो बात नहीं हो पाती उनसे, या उसको मैसेज का जवाब नहीं दे सकते। बट घर जाता हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर मोबाइल देखता हूँ, तो उस टाइम भी मैं कोशिश करता हूँ कि कस्टमर्स के जो इंक्वायरी है उसको मैं फुलफिल कर सकूँ। सो सारी चीज़ें अपनी बेस्ट इन क्लास है भाई, एकदम हर एक चीज़ अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है। कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ लग्जरी मॉडिफिकेशंस हैं। सो बेसिक के लिए भी हमारे पास सारी चीज़ें हैं, उसके भी मैं आपको एक दूसरी मेरे पास गाड़ी खड़ी है उसके अंदर आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से हमारा बेसिक मॉडिफिकेशन के अंदर वो काम हो गया। सो एक बार सिस्टम का भी डेमो मुझे देना है आपको, और एक कैमरे की प्लेसमेंट दिखानी है, वो मैंने दिखा दी आपको। कैमरे की आपको क्वालिटी दिखानी, किस तरीके का कैमरा है, इस बार साउंड पर भी बात करेंगे। सोनी ए सीरीज है तो खैर बेटर है ही है। सो एक बार चलते हैं अपने सिस्टम के साथ। सो सिस्टम का डेमो के लिए मैंने आपको चीज़ दिखाई कि सिस्टम जो हमने इसके ऊपर लगाया, सोनी के 8500 लगाया, और आगे के ई ए सीरीज के कंपोनेंट, और बैक साइड में भी जो हमने कोएक्सियल लगाया वो भी सोनी ई ए सीरीज का लगाया है। सो बात करते हैं ऑडियो की। ऑडियो के अंदर तो सुपर क्लास ये है ही है, वायर के थ्रू इसमें ये चलेगा आपका, एंड्रॉयड और वायरलेस का सिस्टम इसमें नहीं है। सो एक मैं आपको ऑडियो का सेटअप इसका सुनाता हूँ। इसमें एम्पलीफायर सिस्टम इनबिल्ट होता है, और परफॉर्मेंस तो भाई एकदम सुपर क्लास होनी है इसकी। इसको डाउनलोड करते हैं, NCS फियरलेस म्यूजिक ट्रैक। ये भी ढिलों के गाने चल रहे हैं भाई इसमें। ये लग गया भाई, kick the habit down.
बेस्ट इन क्लास है भाई, सोनी का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। अब जो सोनी का सिस्टम लगा और जो जान इसके अंदर आ गई वो अपने आप में सुपर क्लास चीज है। ये रिवर्सा कैमरा इसे हमने लगाया, वो भी आप देख सकते हैं, रिवर्सा कैमरा 0-0 प्लेसमेंट एकदम डुअल इसके अंदर ये लाइन्स आ रही है। इसकी भी सेटिंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ये स्टेयरिंग में अगर घुमाऊंगा तो उसको वाला सिस्टम है इसके अंदर। ये टिल्ट होगा इसका कैमरे का व्यू इसका, जैसे गाड़ी को मैं सीधा करूंगा उससे सेम आप देख सकते हैं ये प्रॉपर एकदम पूरा सीधा हो जाता है। सो ये भी बेस्ट इन क्लास है, कैमरा इसका बेस्ट लगा दिया है, यूट्यूब म्यूजिक नेविगेशन सारी चीज़ें इसमें अपनी बेस्ट चलेंगी। और ये मेरे घर का एड्रेस, पूरा नेविगेशन सेकेंड्स के अंदर स्टार्ट हो रहा है यार। अदरवाइज जो हम लगाते हैं सिस्टम उसमें कई बार क्या है कि वायर्ड वाले वायरलेस के अंदर प्रॉपर चलता नहीं है। इवन ये भी देखो वायर वाला सिस्टम है, सो एकदम क्लास है ये। हटाते ही ये सिस्टम पूरा ख़त्म और सिस्टम की जो लुक्स है वो भी क्लास है। HDMI का इसमें पोर्ट आता है, इसमें आप HDMI के केबल लगा के इसमें आप वो भी चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स बोल रहा हूँ सॉरी क्या बोलते हैं भाई उसे, फायर स्टिक यूज़ कर सकते हैं। सो फायर स्टिक का प्रॉपर इसमें सिस्टम है, फायर स्टिक आप इसमें यूज़ करो और यूट्यूब नेविगेशन जो चलाना चलाओ उसको आप सपोर्ट आप कर सकते हैं YouTube के उसमें हॉटस्पॉट दे के। सो सारी चीज़ें अपने तरीके से प्रॉपर इसमें बेस्ट चल रही हैं, काम हुआ सेम कार लिबास में। और एक चीज़ इसकी रह गई थी MA लाइट, जो कि मैंने इसमें आपको नहीं बताया था अभी। MA लाइट भी हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करी है 10 पीस की, जिसमें चारों दरवाजे, दो डैशबोर्ड के पीस 6 पीस, दो सीट के नीचे, दो डैशबोर्ड के नीचे। सो वो भी अपने 10 पीस वाली इसमें MA लाइट हमने यूज़ करी। इसका भी लुक्स एकदम बहुत बेस्ट है, 1 साल की वारंटी वाले पार्ट्स हैं और कोई इसमें छेड़ाखानी वाले सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले तरीके से लग जाती है। वायरिंग इसमें बनानी पड़ती है तो उसकी वायरिंग हम लेके जाते हैं 12 वोल्ट के सॉकेट से। वायरिंग से रिलेटेड मेरे पास कोई वायरिंग टेम्परिंग नहीं होगी, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, आपकी गाड़ी की गारंटी देता हूँ कि आपको अगर आप कार लिबास से काम कराओगे तो आपको 200% की गारंटी है, वायरिंग टेम्परिंग आपको नहीं मिलेगी। हर एक चीज़ की प्रॉपर सुनवाई होती है, काम के तरीके से काम होता है, आफ्टर मार्केट की तरह सिस्टम कुछ नहीं है। अब मेरे को अपने काम का पता, मुझे खैर बाहर वाले का भी नहीं पता। जो हाइड्रोलिक का हमारा काम होता है वो एकदम ह्यूज लग्जरी के तरीके से प्रॉपर पूरा काम होता है। मेरे जितने भी शेड्स हैं वो मैं शुरू से करता हुआ हूँ और बहुत सारी जगह कॉपी भी हो जाते हैं ये। सो उसका ऑप्शन तो देखो कुछ है नहीं मेरे पास अब। सो एक बार कस्टमर आएगा तो उनसे छोटा सा व्यू लेंगे किस तरीके से वो सोच के आए थे और कैसे हमारे पास पहुँचे। ब्लेसिंग सी गुरु जी की। और जो कस्टमर ने मुझे बोला था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो एक ये गुरुजी का स्वरूप मैंने लगा के दिया है। यहाँ पर हमने ऊपर भी इसके एक गुरुजी का स्वरूप वो लगाया, स्टिकर लगाया। सो ग्रे ब्लैक का इंटीरियर था, ग्रे ब्लैक ही चोला गुरुजी का आज मिला। ये भी बहुत मतलब चांस वाली बात है कि जो गुरुजी का आप चोला देखो ब्लैक के साथ ग्रे का कॉम्बिनेशन है। और इस गाड़ी में भी जो थीम है वो भी ब्लैक और ग्रे की है। सो मेरे लिए तो खैर बहुत ब्लेसिंग वाली बात है ये। तो मिलेंगे जब कस्टमर आएगा छोटे से ब्रेक के बाद।